विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् निराकार मोंकार मूलम् तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहम् नमामि शमीशान लिनी चारु लसत् भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् चलत्कुंडलम् भ्रु सुनेत्रम् प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूल पाणिं भजेहं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन् हलो के पर
प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासम जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोघताप्यमानं प्रभो पाहि शमीशान निर्वाण रूपम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् नमामि शमीशान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् नमामि शमीशान सती संग शिव प्रेम से बैठे थे कैलाश प्रकृति छटा को निरख के करत हास परिहास ताहि समय कछु देवता बैठे वायु यान चले जा रहे दक्ष घर देखन यज्ञ महान शिव शंकर से सती ने रख्यो एक विचार हम तुम दोनों यज्ञ में हो आए इस बार बोले शिव हे सती सुन कैसा किया विचार बिना निमंत्रण पत्र के जाना है बेकार प्यारे पीहर की पिया आवत भारी याद मिल आऊं माँ बहन सो है इतनी फरियाद सुनो सती तुम जिद मत ठानो मानो बात हमारी मानो बिना बुलाए तुम है आओ जाओ सती खुशी से जाओ सती दक्ष घर पहुंच के हुई बड़ी हैरान मात पिता और बहन ने नहीं किया सम्मान न कोई मुंह से बोले होठ अपने नहीं खोले न कोई मुंह से बोले होठ अपने नहीं खोले यज्ञ सभा में सती ने देखा पति विरोध यज्ञ सभा में सती ने देखा पति विरोध निज पति को आसन नहीं जागा मन में क्रोध पिताजी हूँ ललकारे देवता सब फटकारे
पिताजी हो ललकारे, देवता सब फटकारे। सती कूद गई यज्ञ में फैला हाहाकार। सती कूद गई यज्ञ में फैला हाहाकार। रुद्रगणों ने पहुंच कर किया बहुत संहार। रुद्रगणों ने पहुंच कर किया बहुत संहार। यज्ञ को जाए बिगारो, दक्ष को शीश उतारो। यज्ञ को जाए बिगारो, दक्ष को शीश उतारो। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म हिमाचल के यहां पार्वती के रूप में लिया। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल से धे संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन् सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब ते उमा शैल गृह आई। सावधान, महाराजा हिमाचल की जय हो। प्रिय, हम धन्य हुए जब से पुत्री पार्वती ने हमारे घर में जन्म लिया है। तब से यहाँ समस्त सिद्धि और संपत्ति छा रही है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की मणियों से संपन्नता दिखने लगी है। नदियों का जल पवित्र हो गया है और समस्त वृक्षावली सुरभित पुष्पित एवं फलों से परिपूरित हो रही हैं। साथ ही साथ समस्त जीवों ने अपने बैर का भी परित्याग कर दिया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण। आहा, देखो सती जी ने दक्ष गृह में अपना देह त्याग करने के उपरांत पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है। मैं चलूं वहां चलकर उनके दर्शन करूं।